So we are going to start with question number four. First question of physics was question number four. अब ध्यान से नोट करते जाइए, ये देखो बिना कॉपीज के बैठे हुए हैं, नोट करिए साथ में जो भी आपका सेट था या नहीं था, दोनों आपको पता होने चाहिए। कल पेपर ले लेके मत घूमना जगह जगह, आप पहले देख लो आज क्या आंसर्स थे। एंड डोंट गो आफ्टर दिस थिंग कि हमने मार्क्स बढ़ जाए हमारे, जैसे मर्जी बढ़ जाए, इधर उधर पेपर लेके घूमते रहो, वो हमारा मोटिव नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए कि मिस्टेक क्या थी। फोर्थ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस इज गिवन 7 मीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन। तो अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है 1 रेवोल्यूशन पे, ही विल कम बैक टू द सेम पॉइंट। हाफ रेवोल्यूशन पे वो यहां पहुंचेगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, सो दिस इज इक्वल टू डायमीटर। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट देन? इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, दैट इज 14 मीटर। सेट बी है ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, अ स्कूटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर है एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स। हाउ मच इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे तो वी माइनस यू ओवर टी होता है, बट व्हेन यू आर नॉट गिवन इनिशियल वेलोसिटी तो वो यू जीरो ही लेते हो। तो यहाँ पे आप ना भी लो वेलोसिटी ओवर टाइम लगा दो, ये यू जीरो ले लो, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं उन्होंने बोला हुआ इसको। बट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। हाउ विल यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड? बाय मल्टीप्लाइंग विद 5/18। तो ये आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 यहाँ पे आ गया, माइनस जीरो तो जीरो ही हो गया, और 10। तो एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डी पार्ट वॉज करेक्ट। Its answer was D part, 1 meter per second square. Seventh is displacement covered by an object is scalar, vector, neither scalar nor vector quantity, which may or may not have any direction. So it's very clear. क्या आएगा? Vector quantity. B is correct. 10 meter per second speed होगी ना, उसकी velocity होगी final. 10 second time is also given. तो एक्सेलरेशन इज वी माइनस ई ओवर टी, 10/10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट, सेवेंथ क्वेश्चन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स निकालना है हमें। ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। देखो कितना इजी है आपके लिए, पहले से रेक्टेंगल बना पड़ा है, अदरवाइज ग्राफ तो यही है ना, उसके अंदर जो एरिया है वो डिस्टेंस देगा ना आपको। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। तो आपने इसका एरिया निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, दिस इनटू दिस मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ये 5 है और ये भी 5 है, कितना आ गया 25। और क्योंकि डिस्टेंस दे रहा है हमें, तो मीटर स्क्वायर वी विल नॉट राइट, वी विल राइट मीटर हियर। So the answer was A part 25 meter. Answer was part A 25 meter. यहां तक कोई doubt? Yes, any doubt to anyone? B set. Question number है ये 9th question है ये. ये 6 था, फिर 7th किया, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये हो गया। देन 13th,
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वीटी ग्राफ, इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आपको डिस्कवर करना है कि क्या है बॉडी, कहाँ पे है। ऑप्शंस आर द बॉडी इज एट रेस्ट, हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बता सकते हो आपने बोला ना यूनिफॉर्म, कैसे कैसे ये चेंज हो रही है। हाँ तो फिर एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, एक्सेलरेशन तो जीरो होगी। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, हाउ कैन एक्सेलरेशन बी देयर। तो इसका आंसर था बी पार्ट, हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। बच्चे देखो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होती है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी ना, अगर चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। एक्सेलेरेशन जीरो है, बी है इसका आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15। स्टडी फॉलोइंग वीटी ग्राफ केयरफुली एंड फाइंड एक्सेलेरेशन फ्रॉम बी टू सी। आपको पता है वीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? हु विल टेल मी, हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्सेलेरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ, बताओ। Anyone? कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ? कैसे निकालते हैं आप बताओ, इस ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपका एक्सेलरेशन देगी? जैसे डिस्टेंस आपने निकाला एरिया से, हाउ विल यू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? यस मैम, बाय स्लोप, y2 माइनस y1 से स्लोप विल गिव अस एक्सेलरेशन। सो वी विल फाइंड स्लोप, किसकी कह रहे हैं एक्सेलरेशन फ्रॉम b टू c, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप निकालेंगे इस ट्रायंगल से। तो वो स्लोप कैसे निकालते हैं हम? tan थीटा से। तो इस ट्रायंगल का tan थीटा आपको स्लोप देगा bc की, और ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगी, डिक्रीज हो रही है ना, तो ये नेगेटिव होगी आपकी एक्सेलरेशन। चलो यहाँ पे हाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो आपका अब टेन थीटा क्या होगा? एक्सेलरेशन वुड बी टेन थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेट अस कॉल दिस पॉइंट बी, बी डी ओवर सी डी। हाउ मच इज बी डी? बी डी कितना है? टेन। एंड हाउ मच इज सी डी? फिफ्टीन माइनस टेन, फाइव। तो ये कितनी आ गई? टू। एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट सिंस द स्लोप इज डिक्रीजिंग इट विल बी माइनस टू। तो आपका आंसर है ए पार्ट, एक्सेलरेशन इज माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको दिख ही रहा है माइनस टू और टू दो ऑप्शंस हैं, तो इनमें से ही एक करेक्ट होगी जो दो आंसर दिए हुए हैं, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही ध्यान रखना था आपको। आप चाहे ना भी सॉल्व करते आपको पता चल जाता। Then question number 17. A gun recoils on firing. This is due to what? Options are force of reaction exerted by bullet on the gun, force exerted by gun on the bullet, either A or B, neither A or B, neither A nor B. So iska answer tha A part, jo gun kyu recoil kar rahi hai? Because force of reaction exerted by bullet on the gun. जो उसको रिएक्शन मिल रही है गन को, उसकी वजह से वो रिकॉइल कर। व्हाट दैट ए पार्ट था इसका आंसर। 18th, व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ऑब्वियसली ये आपको डेफिनेशन में ही मैंने करवाया हुआ है। बैलेंस फोर्सेस वो है जिनका रिजल्टेंट जीरो होता है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बी पार्ट, बैलेंस्ड फोर्सेस। ये तो आप 8 से पढ़ते आ रहे हो, है ना? यस, एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 18 बी पार्ट इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन है? ओके, चूज एटी ग्राफ फ्रॉम दिस वीटी ग्राफ। देखो
एक सेट में था कि ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, सेट ए में था, इसका वीटी ग्राफ चूज करो फ्रॉम द ऑप्शंस। इसका मतलब है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म तीन आनी थी। ये ए पार्ट का, ए सेट का था। अब बी सेट में क्या था, ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, एटी ग्राफ बनाना था, बिल्कुल वैसे ही एटी ग्राफ बन जाना था। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगी ना, तो जीरो मतलब ये ग्राफ आना था यहाँ पे, ये जीरो। तो योर आंसर वॉज बी पार्ट। बच्चे ये रट्टा मारना नहीं है, फिर आप कहते हो कि सेट बी डिफिकल्ट था। हाँ जी, बी पार्ट। तो फिर आप कहते हो कि पेपर डिफिकल्ट था, वो डिफिकल्ट नहीं है, ये उसी की कंटिन्यूएशन थी। अगर आपको इससे ये बनाना आता है तो इससे ये भी बन सकता है, और रादर इसी का थ्रेटिकल क्वेश्चन पहले से है उसमें कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, और एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगी, तो जीरो तो ऐसे ही होता है ना, फिर एक लाइन है ना ग्राफ में, एक ऐसी ऑप्शन है ना, तो फिर वही आना था, बी पार्ट इज द आंसर। 22nd क्वेश्चन सेम मैंने करवाया था आपको क्लास में ऑलमोस्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज 3 newton। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिया हुआ है आपको 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो फोर्स ही है। यूनिट मैंने आपको कहा था kg मीटर पर सेकेंड, न्यूटन को ही तो कहते हैं ना, न्यूटन को हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन लिखते हैं, था तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो अगर आप 3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 3 newton ही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ये मैं हमने किया था रिविजन डेज में ऐसा क्वेश्चन। तो आपका आंसर है डी पार्ट, 3 newton इसका आंसर। देन 24th क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इफ मास ऑफ द कार इज 1500 kg मस्ट बी। देखो बातें नहीं करनी। और बच्चे ये पता क्या होता है, जब आप रिविजन को मिस करते हो ना, रिविजन डेज में स्ट्रेंथ कितनी कम थी है ना, आपको लगता है कि अब हमें घर बैठ के अपना पढ़ना चाहिए, रिवीजन को मिस कर देते हो। बच्चे बाद में वीडियोस भी तो देख सकते हो ना, इफ यू आर मिसिंग द क्लास, मतलब कंटेंट तो मिस नहीं ना होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन जब डिस्कस हो गया तो आप पेपर में कर नहीं पाए है ना। रिवीजन डेज में हमारे पास टाइम होता है, वी कैन डिस्कस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देयर, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट सैंपल पेपर में है, बुक्स में है, राइट। सो डोंट एवर मिस द क्लास। अब देखिए सबको पता है कि आज पेपर डिस्कस होना है, और यहाँ पे 15 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास में है ना, प्रेजेंट कितने, 13 और 15 कितने हो गए, 28। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, 46। तो देखो कितने आपके 18 बच्चे एब्सेंट, 18 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे ही एब्सेंट। अब वो कल पेपर ले लेके घूमेंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा आंसर क्या है, वीडियो भी नहीं देखेंगे वो डेफिनेटली है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स इफ मास ऑफ द कार इज 1500 kg। कितनी वेलोसिटी इंपार्ट करें, कितना फोर्स चाहिए, कितनी वेलोसिटी उसको मिल जाए। इसका मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रही होगी है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फिर से नहीं दी हुई। उन्होंने कहा कि वो फोर्स 10 सेकंड में इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है कार को, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई ना 30 मीटर पर सेकंड। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे फोर्स, एफ फिजिकल टू एम ए से, एम ए मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, वी माइनस यू ओवर टी, और जब कोई आइडिया नहीं दिया हुआ तो वो रेस्ट से ही शुरू होती है, तो यू जीरो ही लेते हो आप ओवर 10, तो ये आपका 3 आ गई एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1500 इंटू 3 कितना हो गया फोर्स, 4500 न्यूटन।
So C part was the answer, 4500 newton. क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें? ऐसे क्वेश्चन ने किए नहीं क्या? बहुत किए थे ऐसे क्वेश्चन, F is equal to ma वाले, और एक्सेलरेशन निकालनी थी आपको, है ना? बताओ. Now let us come to 27th question. Newton's second law of motion gives us definition of inertia, definition of force, formula of force, या velocity. Formula of force, C part. 29. A cushioned bed or sand bed. It is used in athletic event, high jump. क्यों cushioned bed use करते हैं या sand क्यों use करते हैं players? Why? To increase the time of impact, decrease the time of impact. ये तो होता नहीं है, टेक रेस्ट भी नहीं है, वो नीचे गिर के क्या रेस्ट कर रहे हैं? Increase the change in momentum. No, change in momentum decrease होता है. यहां पे आएगा increase in time of impact, A पर. ठीक है, अब आते हैं assertion reason. Question number 32. मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं assertion reason में, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा. और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का. Assertion: An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. The satellite takes 24 hours to revolve around the Earth with a speed of 3.06 km per second. पहले ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि उसकी स्पीड कितनी है सैटेलाइट की जो सर्कल में घूम रही है. तो अगर हम वन रेवोल्यूशन लेते हैं तो एक ही रेवोल्यूशन का डिस्टेंस लेंगे, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस. डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस. तो ये आपका आएगा डिस्टेंस, स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज डिस्टेंस कवर्ड ओवर द टाइम टेक, 2 into pi into radius. किलोमीटर में रहने दो, because speed they have given in kilometer per second. तो उसको किलोमीटर में रहने दिया, but time second में है. 24 hours को आप second में convert करोगे. 24 hours in one day and one hour is 3600 second. जिस unit में दिया है उसी unit में हमने distance को कर लिया, time को कर लिया. अब इसको solve करोगे तो 3.06 या 3.07 किलोमीटर पर सेकंड. देखो 6-7 इतना पॉइंट के डिफरेंस को डिफरेंस नहीं मानते हैं. अगर 3 का 30 आ रहा हो आपका आंसर, फिर हम कहते हैं कि गलत है. अगर 3.07 है, वो तो राउंड ऑफ किया होगा ना उन्होंने, नेक्स्ट डिजिट को 6 का 7 कर दिया, फिर क्या हो गया? 3.06 है, 07 है, एक ही बात है वो. इसका मतलब ये ठीक आ रहा है ये वाला आंसर. और अब इसका रीजन देखते हैं. रीजन है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओमेगा इज थीटा बाय टी. तो हमने क्या यही यूज किया? हमने तो वेलोसिटी यूज की ना, हमने एंगुलर वेलोसिटी तो यूज ही नहीं की, थीटा का तो कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे. तो ये गलत है आपकी स्टेटमेंट ये वाली. मतलब स्टेटमेंट ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट है, पर हमने उसको यूज नहीं किया, ये उसका रीजन नहीं है. तो आपका आंसर था बी. आपका आंसर क्या था? बी पार्ट. सेट ए में यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वहां वो उसका रीजन था, तो वहां ए आंसर था. सेट ए में आंसर था ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आल्सो. बस एक ही था असर्शन रीजन फिजिक्स का. अब केस स्टडी देखो, लास्ट क्वेश्चंस. केस स्टडी ऐसे का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, ये एग्जांपल था, ये फोर्स में एग्जांपल था. ऐसे का क्वेश्चन हमने किया हुआ है रिवीजन डेज में. ठीक है, चलिए देखो. अभी वेलोसिटी अगेन, ये दिया हुआ है. चलिए अब आंसर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसका. क्वेश्चन नंबर 46.
वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इज, टाइम जीरो कहां पे है, ओरिजिन पे, यहां पे बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी इधर है ना, टाइम इधर है, तो जब जीरो टाइम है वेलोसिटी कितनी थी बॉल की, 80। तो पहला आंसर आपका आना है सी पार्ट, 80 मीटर पर सेकंड। 47, टाइम टेकन बाय बॉल टू स्टॉप, कहां पे ये धीरे धीरे ये रुक रही है, ये डिसेलरेट हो रही है, रिटार्ड हो रही है, तो 8 सेकंड पे जीरो हो गई इसकी वेलोसिटी, ये रुक गई आपको, तो इसका कितना टाइम है, 8 सेकंड, डी पार्ट 8 सेकंड। 47 क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट। 48, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉल इज, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से, स्लोप से निकालते हैं ना, तो चलो स्लोप निकालो, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 80, वो जो आपसे उन्होंने पूछ लिया फर्स्ट पार्ट में, और बेस कितना है 8, जो उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछ लिया, तो 80 ओवर 8 कितना हुआ, 10, पर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो इट इज नॉट एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन। तो आपके दो आंसर हैं, देखो ध्यान से, 10 वाला भी है, माइनस 10 वाला भी, आपने करना है टेक माइनस 10, तो आपका आंसर था 48 का सी पार्ट, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्माइल आ रही है फेस पे, गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना, 11 बस इनटू 0.8 कर लो, 11 का मतलब 11 नंबर नहीं है, तो बहुत अच्छे नाम। आउट ऑफ 19, अच्छा चलो 49th क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, अब फोर्स के लिए क्या करते हैं हम, F इक्वल टू ma, मास दिया हुआ है पहली लाइन में 50 ग्राम, ग्राम नहीं होता मास का यूनिट, किलोग्राम होता है, तो पहले हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros गेट कैंसल्ड, -0.5 न्यूटन, और रिटार्डिंग फोर्स के लिए नेगेटिव साइन ही लगता है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव थी फोर्स भी नेगेटिव होगा, आप देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है प्लस माइनस वाली, तो आपका आंसर डी था, -0.5 न्यूटन। 50th है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल कितनी हो गई, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू 80, 4 kg मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट इज आंसर, तो इसका आंसर है बी पार्ट, ठीक है। चलिए सेट ए करते हैं, अब सेट ए क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए, अब पार्टी बिल्कुल ऐसा ही था सेट ए का भी लास्ट क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, तो मैं अभी बस आपको फटाफट आंसर बता देती हूँ, ठीक है, अगर पूरा नहीं हो पाया आई विल बी सेंडिंग द आंसर भी इन फिजिक्स ग्रुप। सेट ए क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है अब 10 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ऑन कंप्लीटिंग 2 revolutions, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक रेवोल्यूशन में कितना कवर हुआ 2πr, तो दो में कितना हुआ 4πr, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 4πr, अब 4π, और अगर डायामीटर 10 है तो रेडियस कितना हुआ 5, रेडियस कितना हुआ 5, तो आप पाई वैसे ऐसे रहने दो, आंसर पाई में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, 4 × π × 5, 20π, तो सी पार्ट वॉज द आंसर 20π मीटर, सी पार्ट इज योर आंसर देन। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, बस यही मेन मिस्टेक है कि आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। हां जी जसलीन,
अब सिक्स क्वेश्चन है, स्कूटर मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 20 सेकंड्स टू स्टॉप। स्टॉप मतलब वी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और अगर टाइम सेकंड दिया है 20 सेकंड तो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थोड़ी ना ले सकते हो आप। तो ये यू दिया हुआ था जो आपको, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, ये यू था और ये रुक रही है, बॉडी स्टॉप कर रही है, तो वी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। How much time is given? 20 seconds. ठीक है, what is acceleration? Obviously, अब फिर से वो जो है वो रुक ही रहा है ना, तो acceleration ही retardation ही होगी। देखो MCQ में plus minus के ही number कट जाते हैं आपके, आपका R है या बार है, अगर minus लिखना नहीं लिखा तो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब answer देखते हैं क्या आएगा, कौन सा formula use होगा acceleration का। कितना आ गया, -1/2, ठीक है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो विच आंसर वाज इट, इट वाज डी पार्ट, 0.5, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो डी पार्ट है इसका आंसर सिक्स का। सेवेंथ, रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो रिटार्डेशन इज सिस्टर ऑफ एक्सेलरेशन, बस वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है और कुछ फर्क नहीं है, दोनों का यूनिट भी सेम है और दोनों वेक्टर्स हैं। रिटार्डेशन इज जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो भी वेक्टर है, तो बी पार्ट था इसका आंसर सेवेंथ का। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल वैसे ही है सेम दोनों सेट में। स्टडी द वीटी ग्राफ, फाइंड डिस्टेंस इन 10 सेकंड। इसमें भी पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है, ये 10 है और ये आपका 8 है, तो कितना हो गया डिस्टेंस, एरिया कितना हुआ, 8 × 10, 80 मीटर आ गया आपका आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन 13 देखो, 13 अब आगे है 13 क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, पहले बना लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रफ में, डिस्टेंस और टाइम। अब वो कह रहे हैं कि इट कोइंसाइड्स विद टाइम एक्सिस, कोइंसाइड यही होता है, यही होता है कोइंसाइड। इंग्लिश पढ़ते हो ना, ये पता लगा कि नहीं, समझ में आया कोइंसाइड क्या होता है, ये था ना ग्राफ। द बॉडी मस्ट बी, अब क्या है इसकी ऑप्शंस, इन यूनिफॉर्म मोशन, नो, यूनिफॉर्म मोशन में तो ऐसे होता है, एट रेस्ट, रेस्ट पे है, रेस्ट में है, डिस्टेंस जीरो ही रह रहा है, बॉडी रेस्ट पे, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नो क्वेश्चन, इन जिगजैग मोशन, वो भी नहीं है, जिगजैग मोशन तब होती है कोई कर्व होता तो जिगजैग मोशन होती, तो अगर ये जीरो ही रहा डिस्टेंस उसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, चाहे एक्सी ग्राफ ऐसा हो या ऐसा हो, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही बता रहा है, ये रेस्ट भी बता रहा है, व्हाट दिस, तो इसका आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए। अब यहाँ पे ओ टू ए स्लोप इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपको यहां तक का ग्राफ फाइंड करने को बोला गया है, ओ टू ए वी टी ग्राफ है अगेन, तो आप क्या करोगे, इस लाइन की स्लोप निकालोगे, बस टेन थीटा इसका निकालोगे, ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 5, सो व्हाट इज द स्लोप That will give you acceleration, 10 theta. Perpendicular कितना है 10 और base कितना है इसका 5, 10 over 5 और ये positive है, यहाँ पे increase हो रही है ना velocity, तो ये तो acceleration हो रही, retardation नहीं हो रही यहाँ पे, so that's why in this case your answer is +2 m/s² a part is your answer. या आपके आपका आंसर क्या है ए। 17, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट, व्हाई, जो गन रिकॉइल करती है बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी से, रीजन क्या है, गन इज मच हैवियर देन द बुलेट, ए पार्ट। 18 है, धैर्य सुन लो, हाँ जी आप एक बेंच छोड़ के आगे बैठ, A ball set rolling on the ground stops after some time.
ग्राउंड पे जो बॉल है क्यों रुकेगी? एयर के फ्रिक्शन से कि ग्राउंड के फ्रिक्शन से? ग्राउंड के। तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनबैलेंस फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नीदर ए नॉर बी, ईदर ए और बी, इसका ए आ रहा था अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्राउंड के फ्रिक्शन की वजह से एयर में। अब आप हवा में बॉल अगर रोल करते हो तो वो काफी देर बाद रुकेगी, एयर का फ्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, ग्राउंड का ज्यादा होगा। 18, चूज वीटी ग्राफ, ये मैंने बता दिया एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा बना है तो वीटी ग्राफ ऐसा आएगा आपका, वीटी ग्राफ। तो इसका आंसर है ए पार्ट, बाकी मैं की भेज दूंगी आपके उसमें ग्रुप में, वहां से देख लें। येलो सेट है,